नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² + kx + 3, जिसमें इस k का वैल्यू ज्ञात करना है और इस कंडीशन पर ज्ञात करना है कि k का वैसा वैल्यू ज्ञात करके बताइए जिससे उस वैल्यू को यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जाए तो उसके जो रूट्स हो दोनों रूट्स इक्वल रूट्स हो। सबसे पहले इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने की कोशिश करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने के लिए इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो आइए ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c = 0। अब यहां देखिए a के स्थान पर क्या आएगा, जैसे यहां ax² है यहां 2x² यानी 2, उसी तरह से b के स्थान पर क्या आएगा, यहां bx है तो यहां kx यानी b = k एंड c का वैल्यू क्या होगा 3। तो अब हमें a b और c यह तीनों वेरिएबल्स का हमें क्या हो गया है वैल्यू ज्ञात हो गया है। और जैसा कि इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करिए, जो डिस्क्रिमिनेंट डी है इसकी तीन कंडीशन था, या तो डी जो है जीरो से छोटा हो सकता है, या डी जो है जीरो के बराबर हो सकता था, या डी का वैल्यू जीरो से ज्यादा हो सकता है। तो जब d का वैल्यू जीरो से कम होता है वैसी स्थिति में क्या होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है यानी कोई रूट्स नहीं निकलता है, और जब d का वैल्यू जीरो के बराबर होता है ऐसी स्थिति में रूट वन और रूट टू दो रूट निकलते हैं और दोनों रूट आपस में इक्वल होता है। और d जब का वैल्यू जीरो से ज्यादा होता है वैसी स्थिति में भी दो रूट्स निकलते हैं रूट वन और रूट टू, और यह दोनों में डिस्टिंक्ट होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। अब ध्यान यही देना है, यहां जो हमें के का वैल्यू ज्ञात करना है किस कंडीशन के साथ ज्ञात करना, ऐसा वैल्यू ज्ञात करना है जहां की दोनों रूट्स जो हो इक्वल हो, दोनों रूट्स क्या हो इक्वल हो, यानी जो डी का वैल्यू हमें लेना है वह कौन सा वैल्यू लेना होगा, d = 0, यही यहां पे सिलेक्ट करना था हमें। d का जो वैल्यू यहां लेना होगा वह क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो चलते हैं, बी हैव दैट डिस्क्रिमिनेंट दैट इज d = b² - 4ac, और b का क्या है वैल्यू हमारा k² - 4, a के स्थान पर क्या है 2 और c के स्थान पर क्या है 3 = k² - 3×6 = 24। अब देखिए, अब यह d का वैल्यू हमें क्या लेना है, d के वैल्यू को क्या रखना है, 0 रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जो हमें k का वैल्यू है वह क्या निकालना है, इक्वल रूट से निकालना है। तो सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट रूट्स बी इक्वल, रूट्स क्या हो इक्वल हो, हेंस द वैल्यू ऑफ डी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। वह क्या होना चाहिए, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। इसलिए कहेंगे
जीरो इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 24 और कह सकते हैं के इक्वल टू 20 के स्क्वायर इक्वल टू 24 इसलिए के इक्वल टू अंडर रूट 24 यानी इसे कह सकते हैं के इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 और अंडर रूट 6 रह जाएगा यानी जो यह वैल्यू है यदि के का वैल्यू टू रूट सिक्स ये अंदर जाएगा तो 4 और 4 छक 24 यानी 2√6 यदि हम k का वैल्यू रखते हैं वैसी स्थिति में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट्स आएगा वह क्या आएगा इक्वल आएगा।